तो ये फंक्शंस मतलब कि फॉर्मूला जो एक्सेल में आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, करीब 500-700 से ऊपर फॉर्मूले हैं जो कि आपने एडवांस एक्सेल में पढ़ा होगा लेवल वन में, पार्ट वन में। तो अब हम इस क्वेश्चन आता है कि हम जब हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं तो फिर वीवीए का फॉर्मूला बनाने का क्या पर्पस है? क्या सौरभ जी, जब घर में खाना पड़ा हो तो होटल में क्यों जाए? तो यहाँ पे पर्पस होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है आपका एक्सेल फंक्शन। हो सकता है कि आपके पास कुछ अलग, किसी अलग तरीके के कैलकुलेशन आपके पास आ जाए और उस कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला अवेलेबल ना हो, या फॉर्मूला हो तो लेंदी हो या पूरी तरह से आपको सॉल्व ना करता हो। तो उस केस में हम वीवीए का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, अपने तरीके से अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। बट जो उसमें दूसरा क्वेश्चन उसमें वो आता ये आता है, तो फिर दूसरा दूसरा जो इसका पहलू आता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम वीवीए प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें एक ही कोड को, एक ही कंसेप्ट को या एक ही कैलकुलेशन को कई जगहों पर रिपीट करना पड़ता है। तो उस केस में हर, मान लीजिए कोई कैलकुलेशन आपके अगर 10 पेज की है तो आप 5 जगह रिपीट करना है तो आपके 50 50 पेज हो जाएगा। तो क्यों ना उस 10 पेज को फंक्शन में डाल दें और बाकी जगहों पे उस फंक्शन को कॉल कर लें, तो हमारा बाकी के 40 पेज की जो कोडिंग है वो तो बच जाएगा, उससे हमारा फाइल की साइज भी कम होगी। तो इन पर्पसों से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, ठीक है? कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन कराएंगे फिर बड़े बड़े कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि याद होगा मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पढ़ाया था कि हमारे पास अगर क्वार्टर वन है एंड क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन का सेल्स इट मींस ये है हमारा एंड क्वार्टर टू है, तो हमें इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ के लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि लोअर, यहाँ मैथमेटिकल कंसेप्ट करता है लोअर माइनस अपर डिवाइड बाई, सही, माफ कीजिएगा, लोअर अपर नहीं होता है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन। और इस मैथमेटिकल फंक्शन को भी आप पे लेके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि हर कोई नहीं कर पाएगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं तो हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं और फॉर्मूला हमेशा हम रूल में करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम फंक्शन, और यहाँ पे जी आर ग्रोथ, और यहाँ पे देखिए फंक्शन, फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम वही लिख सकते हैं जो आप माइक्रो का नाम लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें स्पेस हो गया और आपके स्पेस सिलेक्टर से डॉट डैश कॉमा ये सब चीजें नहीं डलती है, और ऑलरेडी से बनी हुई फंक्शन को यहाँ पे नहीं रखते हैं, रिपीटेशन हो जाती है। और हमने यहाँ पे कर दिया Q1 एज ए, या Q1 अवेलेबल है, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। Q1 की जगह ABCD A1 N1 N2 कुछ भी ले सकते हैं एज ए। यहाँ पे हमने कर देता हूँ वेरिएंट एंड कॉमा Q2 एज ए ऑल्सो वेरिएंट, हम ब्रैकेट में इसको डालते हैं। और हमारा जो वैलिडेशन हो गया सर, रिप्रेशन, अच्छा हाँ वैलिडेशन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे लिखते हैं डिम आर एज ए वेरिएंट या डबल, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। आर इक्वल टू इन द ब्रैकेट Q2 सॉरी Q2 माइनस Q1 Q1 डिवाइड बाय Q1, ठीक है? और तो यहां सर पे ये हमारा आर वाले को भी ऊपर भी ले सकते हैं क्या? ब्रैकेट में, तो आर आपने लिया है ना डिम आर, वो ऊपर भी तो ले सकते हैं, हाँ ऊपर नहीं लेंगे ले भाई। सकते हैं? देखिए जो देखिए एक मिनट, ब्रैकेट में आपने लिया ना आपने सुनिए, जी आर, एक तो सुनिए, ये यहाँ आपका इनपुट हो गया, क्या हो गया? इनपुट। जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें जी आर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसमें मुझे दो इनपुट डालने होंगे,
समझ गए, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ आप देखेंगे कि इक्वल जी आर, तो इसमें आप अगर इस पे क्लिक करें तो दिख जाएगा आपको इसमें दो इनपुट है, तो दो इनपुट क्यू वन क्यू टू क्यों है, क्योंकि हमने जी आर को ब्रैकेट में दो इनपुट डिफाइन किया हुआ है, दो वेरिएबल लिया हुआ है, तो वहां अगर तीसरा वेरिएबल डालेंगे तो तीन इनपुट मानेगा और नहीं होगा तो आपको एरर देगा। तो आपको पहले सजेस्ट करना है कि कौन सा आपका इनपुट है, कौन सा आपका रिजल्ट स्टोरेज है, समझ गए ना। ए वन ए फोर की वैल्यू क्यू वन पे जाके स्टोर हो गई, बी फोर की वैल्यू क्यू टू पे स्टोर हो गई, और रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आर पे स्टोर हुआ। देखिए फॉर्मूला का हमेशा तीन पार्ट होता है, पहला होता है आपका डिक्लेरेशन, आप फॉर्मूला को डिक्लेयर करें, फॉर्मूला को डिक्लेयर मतलब उसका नाम, उसके अंदर जो इनपुट्स है और इनपुट में किस तरह की वैल्यू डलेगी, वो जैसे टेक्स्ट है आपको पता है टेक्स्ट डलेगा, आपको पता है कि लॉन्ग ही डलेगा, तो उस तरह की वैल्यू यहाँ आप डालें। फिर हम एक वेरिएबल लेते हैं ताकि हम उसकी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट को होल्ड कर सके, जिसपे कैलकुलेशन कर सके, और फाइनल रिजल्ट स्टोर कहाँ हुआ, आर पे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया, वापस जब असाइनमेंट, हाँ ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, ये तीनों हो गया कैलकुलेशन, और जो ये हो गया चौथा असाइनमेंट, क्योंकि रिजल्ट आर पे स्टोर है, बाहर तो नहीं दिख रहा है ना, तो बाहर तभी दिखेगा जब हम इसको असाइन करेंगे। तो हमने जी आर पे आर की वैल्यू असाइन कर दी, जी आर क्या है आपका फंक्शन नेम है, ये भी एक तरह का वेरिएबल है, समझ गए। तो हम आर को इसमें क्यों नहीं लिख सकते, पता चल गया। और अब जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन हो गया था सर, वो हम सेट क्यों यूज करते हैं। सेट जब कोई रेंज या कोई ऑब्जेक्ट असाइन करना होता है। अच्छा देखिए सेट असाइन करता है और विदाउट सेट क्या होता है, लोड करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। रेंज जो है किसी की वो स्टोर नहीं हो सकता ना, जैसे कि आप जमीन खरीद सकते हैं, कभी सामान खरीद सकते हैं, जमीन नहीं खरीद सकते, जमीन तो ट्रांसफर होता है ना। जी जी जी, जमीन तो नहीं कि उठा के आपको थैली में पैक करके दे दिया जाता है, घर ले जाइए ये आपका 10 स्क्वायर फीट है, वो तो जमीन जहां वहां रहता है, वो आपको ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट और रेंज जहां रहेगा और वहां रहेगा, हमें उसका एक वेरिएबल नाम जो है, मतलब उसकी जो नाम है वो ट्रांसफर हो जाता है, असाइन हो जाता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर वैल्यू एबीसीडी 1 2 3 डेट वो किसी स्टोर होता है किसी वैल्यू के ऊपर, क्योंकि एक डेटा है, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े जी, अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्रिंसिपल है, वेट है, टाइम है, कि प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। प्रिंसिपल मान लीजिए कि 50,000 है, रेट मान लीजिए हमारा जो है 11% ईयरली है, और टाइम मान लीजिए 12 साल है, या मान लीजिए कि मैं 5 साल ही करता हूँ। मुझे यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी फॉर्मूले हैं, पीएम पीएमटी वगैरह है, लेकिन हम उसको नहीं ट्रस्ट करते हैं, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ट्रस्ट करते हैं, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, कि पी मल्टीप्लाई बाय 1+R/n (t)/n, ठीक है। अब n क्या है, n है कि आपकी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस है वो मंथली है या ईयरली है, समझ गए। जो आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो मंथली है या ईयरली है, इट्स टी, इट्स एन। अब चलिए इसी को हम अपना
हमारा जो एक्सेल है उस एक्सेल पे चलते हैं, जो वीवीए प्रोग्रामिंग है उस पे चलते हैं। डू द फंक्शन, अमाउंट, अमाउंट नाम दे देता हूँ, पी एज ए लॉन्ग कॉमा आर एज ए डबल, डबल क्यों दिया आपने, टी एज ए लॉन्ग, या इंटीजर भी कर सकते हैं, इसको इंटीजर कर लेते हैं। हमने लॉन्ग आर को इसलिए किया क्योंकि आर क्या है, रेट है, और रेट हमेशा डेसिमल्स में होता है इसलिए। और फिर हम यहाँ पे करते हैं डिम आर एज ए, आर तो ऑलरेडी डिफाइन है ही, रिजल्ट के लिए हम आर ई कर देते हैं, आर ई एज ए डबल, क्योंकि कैलकुलेशन डबल में ही आएगा। हम यहाँ पे करते हैं आर ई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर डिवाइड बाई 12 पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन, एन मतलब 12। ये फाइनल रिजल्ट आपका हो गया। और फिर यहां पे हम देते हैं अमाउंट इक्वल टू आर ई, ठीक है सर। तो फंक्शंस अमाउंट पी एज ए लॉन्ग आर एज ए डबल एंड टी एज ए इंटीजर हमने दिया और ये कर दिया। अब बाहर हम जाते हैं इसको अपाइन करते हैं। तो यहां पे मैं करता हूं अमाउंट ई हमने लिया, आर को हमने लिया और हमने टी को ले लिया और एंटर मारा, रिजल्ट आपके सामने। अब ये डबल डेसिमल्स में आ रहा है ना, मुझे इसको डेसिमल नहीं करना, मैं चाहता हूँ राउंड हो क्या है क्या। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल का कितना अच्छा यूज है। अब राउंड करने के लिए आपको यहाँ पे आर ई को राउंड का फॉर्मूले में अपाइन करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम फंक्शन का रिटर्न टाइप जो होता है, हमारा फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है उसी को मैं यहाँ पे एज ए लॉन्ग कर देता हूँ, क्योंकि हमें बताया आपको अमाउंट भी एक तरह का वेरिएंट है, वेरिएबल है, समझे। तो इसका हमने लॉन्ग डिफाइन कर दिया, तो आप यहां देखेंगे कि अब आपका डेसिमल नहीं मिलेगा, समझ में आया। कोई डाउट सर आप लोग को? सर ये बताना एक बार, और ये अलग से कैसे अमाउंट वाले को राउंड में कैसे दिया? ये देखिए आपके सामने एज ए लॉन्ग कर दिया हमने फंक्शन टाइप, मतलब फंक्शन को भी अलग से वेरिएंट ले लिया। हाँ, क्योंकि ए भी जैसे आर ई है, जैसे पी है, आर है, वेरिएबल है ना, ऐसे अमाउंट भी आपका वेरिएबल ही होता है। तो वेरिएबल हमने हमने हटा दिया था, तो वेरिएंट था, मतलब कि जैसा जो वैल्यू असाइन होगा वैसा दिखेगा, लेकिन इसमें हमने क्या किया, जब हमने इसको लॉन्ग लगा दिया तो फिर ये वेरिएंट नहीं रहा। तो हर फंक्शन का नाम देते हैं वो वेरिएंट ही चलता, अगर नहीं देते कुछ भी तो। हाँ, ज्यादातर। हाँ, और किसी को डाउट है? इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हमारे पास आता है, मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का, जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का कॉस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कॉस्ट मान लीजिए आपका 50 है, ठीक है। और मुझे इस पे क्या है कि इसका एमआरपी निकालना है। तो एमआरपी का रूल कहता है कि पहले मैन्युफैक्चरर 5% की डिस्काउंट रेट, मतलब इसमें प्रॉफिट रेट पे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि जो उसकी खरीद पड़ेगी उस पे 10% का मार्जिन रखेगा और होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर क्या करेगा कि 15% का मार्जिन रखेगा अपने खरीद पे और रिटेलर को सेल करेगा, और रिटेलर क्या करेगा 20% का मार्जिन रखेगा और डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, सॉरी कंज्यूमर को देगा सर। तो इसके लिए भी चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। फंक्शन
एमआरपी अमाउंट, ए कर देता हूँ सिंपल सा, ए एज ए हम यहाँ पे लॉन्ग कर दे। अब मैं यहाँ पे डिम, अब एक चीज और है कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें रिजल्ट के लिए एक वेरिएबल लेना ही है, हम समझ गए ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कई सारे अपडेट करना है इसलिए लेना पड़ेगा। डिम आर एज ए इसमें डबल लेना पड़ेगा, आर इक्वल टू आर का, नहीं आर नहीं, आर इक्वल टू ए का, कि ए इक्वल आर इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई बाय 0.05, क्योंकि ठीक है क्योंकि परसेंटेज का सिंबल नहीं लेता है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, 5% करना ना मैं। फिर ऐसे यहां पे हम करते हैं ए, अब यहां पे ए देते हैं कि ए इक्वल टा और ब्रैकेट में ए का 10%, तो 10% आप ऐसे नहीं लिख सकते इसमें, तो 10% लिखने के लिए लिखना पड़ेगा 0.10 या फिर 10/100 प्लस कॉपी पेस्ट 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 15 और 20, ठीक है, और यहां पे हमारा हो जाएगा एम आर पी इक्वल टू ए, और आप इसको भी अगर मान लीजिए लॉन्ग डिफाइन कर दें कि एज ए लॉन्ग, तो आपका रिटर्न रिजल्ट जो है हमेशा लॉन्ग पे आएगा, यहाँ पे इक्वल एम आर पी और हमने इसको सिलेक्ट किया, आ गया। तो सौरभ जी बताइए सर, फंक्शन से क्या समझे आप? फंक्शन से क्या समझ रहे हैं अभी आप? आपको मैं भी फंक्शन समझा रहा हूँ कि क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या पता लग रहा है, किस तरह का बेनिफिट होगा आपके यहाँ? सर अपनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन, जो जो एक्सेल में नॉर्मल तरीके से ज्यादा नहीं हो सकते वो डिफाइन करके जल्दी फास्ट हो रहे हैं। ऐसा कोई काम आया जिसके लिए आपको फॉर्मूला ना मिल रहा हो? अब ऐसा सर गौर नहीं किया, ऐसे तो है काफी, ऐसा मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, उम्मीद देना पड़ेगा। आपको कुछ है आइडिया? सर नहीं अभी तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है तो शायद अब पता चले उस पे ध्यान रखेंगे। ओके तो चलिए पता अभी चल लेते हैं। आप मुझे 10, जैसे आपको मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया ना सर आपको मैंने, मुझे ऐसी 10 कैलकुलेशन आप करके दो, 10 फॉर्मूले बना के दो, कैलकुलेशन फॉर्मूला मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल सा है, गुणा भाग करना मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना क्या, तो ऐसे क्रिटिकल कैलकुलेशन जिसको करने में काफी टाइम लगता होगा, ऐसे क्रिटिकल कैलकुलेशन की 10 एग्जांपल करके दीजिए। तो सर इसमें मैथ वाला ही काम हो सकता है, टेस्ट वाला नहीं हो सकता? हो सकता है, पहले मैथ तो सीख ले, पहले क्या होता है 1 2 3 सीखते हैं ना, तब सीखते हैं एबीसीडी। जनरली पूछ रहा हूँ कि शायद ये कैलकुलेशन ही होता होगा। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, सब होगा सर, पहले आप मैथ तो कीजिए। मैथ आसान है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, मिल गया ना जी? जी हाँ, मैथ थोड़ा सा आसान है, कर सकते हैं, बाकी पे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जब तक मैथ वाला नहीं सीखेंगे तो आपको इस पे, अब जैसे क्या कि मैथ वाला होगा तो थोड़ा सा आपको ये आएगा ना, क्या बोलते हो उसको, आत्मविश्वास बढ़ेगा क्या जी? आप करने जी, बैठेंगे छोटे छोटे कैलकुलेशन जब हो जाएगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो आगे कैलकुलेशन भी आप करेंगे। तो मुझे 10 कैलकुलेशन करके दीजिए और कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें, जैसे आपने बोला कि टैक्स वगैरह कैसे होता है, टैक्स वगैरह कैलकुलेशन को डिस्कशन करेंगे।